गाइस, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पर मार्केट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहे हैं और लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो हम सब उन लोगों के हेल्प के लिए ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट बिगिनर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल बिगिनिंग से होगा और एडवांस तक होगा। कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है, लेट सपोज़ कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई और मतलब फील्ड से है, तो वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए इजी होगा। बिल्कुल स्टार्ट से हम उनको बताएंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती क्या है, कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। तो हम इस सीरीज़ में सब कुछ बताएंगे और इस सीरीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और लास्ट तक अगर आप इस सीरीज़ को मतलब फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस सीरीज़ में टूल्स कौन से यूज़ करेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज़ करेंगे। तो जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, और लैंग्वेज हमारे पास दो हैं। ये हमारे पास चॉइस है, अगर हम जावा यूज़ करना चाहते हैं या कोटलिन यूज़ करना चाहते हैं। गूगल वाले तो कोटलिन रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से जावा पढ़ी है और जावा आपको आती है, तो आप जावा भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ये नीचे जो है ये लैपटॉप और पीसी के स्पेसिफिकेशन है। आपके पीसी में विंडोज 7, 8 या 10 होनी चाहिए। अगर आपके पास मैकबुक है या आपके पीसी में लिनक्स है, तो उस पर भी एंड्रॉयड स्टूडियो चल सकता है, कोई मसला नहीं है। रैम की जो रिक्वायरमेंट है वो 4GB आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब वो तो और बेहतर होगा। और जो 2GB डिस्क स्पेस आपके पास होनी चाहिए मिनिमम, और 4GB रिकमेंडेड है, लेकिन 2GB आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। और अगर आपके पीसी या लैपटॉप में SSD लगा है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, तो उससे एंड्रॉयड स्टूडियो की परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है लैपटॉप की SSD के साथ, वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए फिर SSD अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो इतना मसला नहीं है। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो रन कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे और गूगल में सर्च करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, तो सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक्स दी है कि आपने लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करनी है और विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करनी है एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं आपको यहाँ दिखा देता, लेकिन मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो इसमें इंस्टॉलेशन में कोई मसला नहीं है। और अगर आपके पास मतलब JDK या उसका मसला आ रहा है, तो आप JDK सिंपल यहाँ से ओरेकल का वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है आप देख सकते हो, इसमें है जावा AC15 है, आपने यहाँ से JDK डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है विंडोज़ में या लिनक्स में, और वहाँ पे आपने पाथ सेट करना है उसके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो है, उसके लिए आपको मतलब JDK इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो वो मतलब ऑटोमेटिकली सारा सेटिंग कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो के मतलब इस कोर्स में क्या होगा, कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे और क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको कैसे इमुलेटर पे रन करते हैं और कैसे फिज़िकल डिवाइस पे रन करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।